हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो मैं अपने छोटे से किचन गार्डन में आपको लेकर आई हूँ। मैंने आलू के परांठे बनाने थे, तो उसके लिए मैंने धनिया काटना था, तो मैं ऊपर आई हूँ। देखो ये पालक हो रहा है, तो ये मैंने इस तरीके से कट्टे में बोया हुआ है, तो थोड़ा बहुत पालक निकल आता है। किचन गार्डन है ये, छोटे गमलों में, डिब्बों में, हर चीज़ में मैंने बोया हुआ है। ये टमाटर है और ये टमाटर लग रहा है, देखो इस पर ये टमाटर लग रहा है। और ये मेरी करेले की बेल है, ये देखिए, ये मैंने करेले, लंबी करेली है ये, इस पर फूल आ रहे हैं और ये चढ़ रही है ऊपर तक। ये देखो ये इतने ऊपर चढ़ गई है बेल, ये लंबी करेली है। और इसके साथ ही जो है ये दूसरी बेल छोटी, अभी ये छोटी बेल है, ये भी लंबी करेली की बेल है, ऊपर चढ़ रही है अभी। और ये टमाटर और पालक जो है दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये देखिए टमाटर और पालक दोनों एक साथ में हो रहा है ये। और इसमें भी फूल आ रहे हैं टमाटर में, ये देखो। और एक टमाटर का पौधा ये हो रहा है, ये मरुए का पौधा है जिससे चटनी बनती है, और ये थोड़े से फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये एक पौधा मैंने ये लगाया, इसकी भी पूजा करी जाती है, इस पर बड़े बड़े फूल आते हैं। और मेन मकसद ये है कि मैं धनिया काटने आई थी, तो ये धनिया मैं परांठे बना रही हूँ आलू के, तो मैं भी धनिया काटूँगी। तो इसको तोड़ने के चक्कर से आज मैंने फिर छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखाई है। ये मेरी भिंडी है, मैंने भिंडी लगाई थी, ये भिंडी हो रही है, देखो इसमें भिंडी लग भी रही है छोटी छोटी, ये देखिए ये छोटी छोटी भिंडियाँ लग रही हैं, इसमें फूल आ रहे हैं। ये एक छोटे से इसमें मैंने बोया हुआ है, इसमें दो टमाटर के पौधे भी हैं, और टमाटर के पौधे में देखना फूल आ रहे हैं, बहुत सारे फूल आ रहे हैं देखने में। और इसके साथ ही जो है मैंने एक मिर्च का पौधा भी लगाया हुआ है, और एक ही बाथू है, और ये बैंगन है, बड़ा बैंगन, भरते वाला बैंगन है, तो इसका पौधा इतना बड़ा हो गया है। और ये बैंगनी है, लंबी बैंगन, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ये बैंगन लग रहा है, ये पत्ता आ गया है, ये देखिए ये बैंगन लग रहे हैं इस तरीके से, और ये फूल आ रहे हैं, इसे कलियां आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, ये बैंगन लग रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए। तो दोस्तों एक छोटा सा किचन गार्डन है, कभी कभी बहुत काम आ जाती हैं चीज़ें, थोड़ी बहुत सब्जी होती है, और जैसे धनिया है, थोड़ा सा टमाटर है, और ये पौधा इतना बड़ा हो रहा है, इसको मैंने तार के साथ अटैच किया हुआ है। और अभी एक दो चार दिन में भिंडियाँ भी हो जाएंगी खाने लायक, और अब मेरे को काटना है बाथू, वो ये धनिया काटना है मुझे। छोटे छोटे चीज़ों में मैंने सब में बोया हुआ है, छोटी छोटी मटकियाँ हैं इनमें, मैंने एलोवेरा बोया हुआ है, तो ये पालक का बीज है, ये बीज हो जाएगा पालक का, ये देखो ये हो रहा है चौलाई। और इसमें मैंने एक हल्दी का पौधा डाला, हल्दी का बो डाला हुआ है, गांठ डाली हुई है, वो निकल के आ जाएगी, तो उसमें हल्दी का पौधा हो जाएगा वो। तो इस तरीके से दोस्तों एक छोटा सा किचन गार्डन आपको मैं दिखा रही हूँ अपना, तो यहाँ से शुरू करके, और ये पौधा सूख गया है, तो छोटा सा किचन गार्डन मेरा। ये बथुए का पेड़ हो रहा है, इसमें एक पौधा हो रहा है, और ये थोड़ी बहुत भिंडी हैं, टमाटर हैं, गोल बैंगन है, भरते वाले बैंगन हैं ये, और ये छोटे लंबे बैंगन हैं। ये मिर्च का पौधा है, बरसात ने काफ़ी अच्छा कर लिया इसको, इसको हल्के से हम चाकू से थोड़ा सा खोद देंगे, खुदाई बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरा किचन गार्डन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।